विरोध की आवाज उठाने के लिए संसद में घुसपैठ जैसे कांड को अंजाम देने वाले चेहरों की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली है और आरोपियों के जले हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। ये जले हुए टुकड़े उस मोबाइल फोन के हैं जो संसद से मास्टरमाइंड ललित झा लेकर भागा था। ललित संसद से अपने एक जानकार महेश कुमावत के पास राजस्थान के नागौर भाग गया था और वहीं पर इन मोबाइल को जला दिया ताकि सबूत ना मिले। ये फोन सागर, नीलम, मनोरंजन और अमोल के हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन मोबाइल के अवशेष राजस्थान के नागौर से बरामद कर लिए। स्पेशल सेल को घटना से जुड़े कई अहम सबूत बरामद हुए हैं। जो सबूत मिले हैं उनमें जले मोबाइल, आरोपियों के कपड़े, आरोपियों के जूते और कुछ अहम कागजात शामिल हैं। नागौर से जले हुए मोबाइल बरामद होने के बाद ये साफ हो गया कि आरोपियों ने पूरी साजिश रची और ये भी तय था कि ललित झा घटना के बाद सभी के मोबाइल लेकर नागौर भागेगा और वहां उसे जला देगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगह पर जाकर केस से जुड़े सबूत जुटा रही हैं। इस जांच की आगे की दिशा भी अब साफ हो रही है। इसके तहत अब सभी आरोपियों को उनके गांव शहर ले जाया जाएगा और तफसील से जांच की जाएगी। वहीं संसद में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए स्पीकर से इजाजत मांगी गई है। इजाजत मिलते ही आरोपियों को संसद भवन ले जाकर रिक्रिएशन के जरिए पता किया जाएगा कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इस केस में गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। ये मुकेश कुमावत है जो ललित झा का सहयोगी था और नागौर का रहने वाला है। फरारी के दौरान महेश ने ही ललित को नागौर में अपने ठिकाने पर छुपाया था। महेश को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने महेश की रिमांड मांगते वक्त जो दलील कोर्ट ने दी वो बताती है कि मामला काफी गंभीर था। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आरोपी संसद को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए चलती सदन में सेंध लगाई, संसद में हंगामा कर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे और नाजायज मांगों को पूरा करवाना चाहते थे। 2 साल से साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस के टॉप अफसर जांच पर पूरी नजर बनाए रखे हैं। स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर PS कुशवाहा ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट पहुंचे। दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच से जुड़ी हैं। दिल्ली पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्द इस केस से जुड़ा हर सच सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।